हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए नई नई वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, चरहट के हिंदी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, सदी का सबसे बड़ा पूर्ण चंद्र ग्रहण 27 एवं 28 जुलाई को लग रहा है। आप इन खास बातों का ख्याल जरूर रखें। दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको खग्रास चंद्र ग्रहण के बारे में बताएंगे और यह ग्रहण कब से कब तक रहेगा और इस चंद्र ग्रहण में सूतक कब प्रारंभ होगा और आपको इस ग्रहण काल में क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए एवं गर्भवती स्त्रियों को इस ग्रहण काल में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखिए अंत तक। हम आपको इस पूर्ण चंद्र ग्रहण के बारे में पूरा विस्तार से बता रहे हैं। दोस्तों, 27 एवं 28 जुलाई 2018 अषाढ़ पूर्णिमा के दिन खग्रास यानी पूर्ण चंद्र ग्रहण होने जा रहा है। यह ग्रहण कई मायनों में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह पूर्ण चंद्र ग्रहण सदी का सबसे लंबा ग्रहण होगा। दोस्तों, इसकी पूर्ण अवधि 3 घंटा 55 मिनट होगी। यह ग्रहण भारत समेत दुनिया के अधिकांश देशों में देखा जा सकेगा। इस चंद्र ग्रहण को ब्लड मून कहा जा रहा है क्योंकि ग्रहण के दौरान एक अवस्था में पहुंचकर चंद्रमा का रंग रक्त की तरह लाल दिखाई देने लगता है। इसे सुपर मून भी कहा जाता है क्योंकि यह एक खगोलीय घटना होती है जिसमें चंद्रमा धरती के अत्यंत करीब दिखाई देता। ज्योतिषचार्यों के अनुसार ऐसा पूर्ण चंद्र ग्रहण 104 साल बाद आ रहा है। इससे पहले यह 1914 में ऐसा चंद्र ग्रहण लोगों को देखा गया था। दोस्तों, खग्रास चंद्र ग्रहण, यह खग्रास चंद्र ग्रहण उत्तरार्षण श्रवण नक्षत्र तथा मकर राशि में लग रहा है। इसलिए जिन लोगों का जन्म उत्तरार्षण श्रवण नक्षत्र और जन्म राशि मकर या लग्न मकर है उनके लिए ग्रहण अशुभ रहेगा। मेष राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि व मीन राशि वालों के लिए यह ग्रहण श्रेष्ठ फलदायी होगा। वहीं वृषभ राशि, कन्या राशि, कर्क राशि और धनी राशि वाली के लिए यह मध्यम फलदायी होगा तथा मिथुन राशि, तुला राशि, मकर व कुंभ राशि वालों के लिए यह अशुभ फल देने वाला है। ग्रहण काल कब से कब तक लग रहा है? दोस्तों, ग्रहण 27 जुलाई की मध्य रात्रि से प्रारंभ होकर 28 जुलाई को तड़के समाप्त होगा। इसका स्पर्श काल 11:54 तक होगा। सम्मिलन इसका रात्रि 1 बजे होगा और इसका मध्यकाल रात्रि 1:52 पर होगा और इसका उन्मिलन यानी उन्मिलन रात्रि 2:44 पर होगा। इसका मोक्ष काल रात्रि 3:49 पर होगा। वहीं ग्रहण का कुल पर्व काल 3 घंटा 55 मिनट होगा। दोस्तों, सूतक कब प्रारंभ हो रहा है आइए जानते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस खग्रास चंद्र ग्रहण का सूतक अषाढ़ पूर्णिमा शुक्रवार दिनांक 27 जुलाई को ग्रहण प्रारंभ होने के 3 प्रहर यानी 9 घंटे पहले लग जाएगा। यानी 27 जुलाई को दोपहर 2:54 पर सूतक लग जाएगा। सूतक लगने के बाद कुछ भी खाना पीना वर्जित माना जाता है। रोगी, वृद्ध, बच्चे और गर्भवती स्त्री सूतक के दौरान खाना पीना कर सकती हैं। सूतक प्रारंभ होने से पहले पके हुए भोजन पर, पीने के पानी पर, दूध दही आदि पर आप तुलसी डालें या फिर कुशा डालें। इससे सूतक का प्रभाव इन चीजों पर नहीं होता। ग्रहण काल में आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? ग्रहण काल में प्रकृति में कई तरह की अशुद्ध और हानिकारक किरणों का प्रभाव रहता है। इसलिए कई ऐसे कार्य हैं जिन्हें ग्रहण काल के दौरान नहीं किया जाना चाहिए। ग्रहण काल में सोना नहीं चाहिए। वृद्ध, रोगी, बच्चे और गर्भवती स्त्रियां जरूरत के अनुसार सो सकती हैं। वैसे ही एक ग्रहण मध्य रात्रि से लेकर तड़के के बीच होगा, इसलिए धरती के अधिकांश देशों के लोग निद्रा में ही होंगे। ग्रहण काल में अन्न जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। ग्रहण काल में यात्रा भी नहीं करनी चाहिए। यदि यात्रा इस दिन आप कर रहे हो तो आप इसको टाल दें, दुर्घटनाएं होने की संभावना होती है। ग्रहण काल में स्नान न करें। ग्रहण समाप्ति के बाद स्नान करें। ग्रहण को खुली आंखों से कभी न देखें, इससे आंखों को क्षति पहुंच सकती है। ग्रहण काल के दौरान महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। गर्भवती स्त्रियां इस ग्रहण काल में क्या करें? ग्रहण के सबसे अधिक असर गर्भवती स्त्री पर होता है।
घृण काल के दौरान गर्भवती स्त्रियां घर से बाहर न निकलें। बाहर निकलना यदि जरूरी हो तो गर्भ पर चंदन और तुलसी के पत्तों का लेप कर लें। इससे ग्रहण का प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर नहीं होगा। ग्रहण काल के दौरान यदि खाना जरूरी हो तो सिर्फ खान पान की उन्हीं वस्तुओं का उपयोग करें जिनमें सूतक लगने से पहले तुलसी पत्र या कुसाया डाल दिया हो। गर्भवती स्त्रियां ग्रहण के दौरान चाकू छुरी ब्लेड कैंची जैसी काटने की किसी वस्तु का प्रयोग न करें। इससे घर में पल रहे बच्चों के अंगों पर बुरा असर पड़ता है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है। सुई से सिलाई कभी न करें। माना जाता है कि इससे बच्चे के कोई भी अंग जुड़ सकते हैं। ग्रहण काल के दौरान भगवान श्री कृष्ण के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहें। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि इस ग्रहण काल की जानकारी आपको अच्छी तरह से प्राप्त हो गई होगी। हमें उम्मीद है आज की जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी। यदि आज की जानकारी आपको पसंद आए तो आप इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें। और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मुफ्त है। यदि आप हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करते हैं तो जो भी हम नए वीडियोस डालेंगे वह आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन के जरिए आएगी।